सुख करता दुख हरता बढ़ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके बाल मुक्ता फळांची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं साथ तेरा बस जाऊं मैं तुवा दियंत महिमा तेरे हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः सुख करता दुख हरता बढ़ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम द फाइंडर। आज है गणेश चतुर्थी और आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पति पप्पा कल आए थे हमारे घर, आज उनका विसर्जन है तो आज हम लोग जाएंगे गंगा जी उनको अलविदा कहने। अगले साल उनको फिर लाएंगे। साथ साथ मैं अपना माइक भी टेस्ट करने वाला हूँ, वो दोनों माइक मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक ये है माउनो कंपनी का माइक और एक ये है JBL कंपनी का माइक। किस माइक की क्वालिटी आपको ज़्यादा पसंद आएगी वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरा दोनों माइक में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है और मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए मोटो व्लॉगिंग के लिए, ये भी आप कमेंट में, ये सब आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं सीधे नीचे और कमेंट ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि मैं कौन सा माइक यूज़ करूँ। गणपति बप्पा को अलविदा कह दिया हम लोगों ने और अब हम लोग कर रहे हैं माइक की टेस्टिंग। आई होप आपको माइक की क्वालिटी अच्छी लगे। अभी जिस माइक से मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ अपना, वो है माउनो का माइक। इसके बाद हम करेंगे JBL के माइक से टेस्ट, जो दोनों ही मैं आपको दिखा चुका हूँ। और हम लोग छोटी सी राइड पर जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग जा रहे हैं लेक टाउन, चाय पियेंगे और घर वापसी। आज मेरी इस एप्रिलिया को 5 महीने हो गए हैं और 5 महीने बाद भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वही पावर अभी भी सेम, हैंडलिंग वही बेहतरीन जैसे पहले थी। अगर कोई स्मूथ राइड करता है उसको इसकी हैंडलिंग और ब्रेकिंग बहुत पसंद आने वाली है जो भी इसको अप्रैलिया को चलाएगा। वैसे इस बार गणपति कोलकाता में भी बहुत धूमधाम से मनाई गई है। वैसे हर साल ही बहुत धूमधाम से मनाई जाती है बट इस साल मैं कुछ ज़्यादा ही देख रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग हर गली वगैरह, जैसे दुर्गा पूजा हर गली गली में लगती है यहाँ, वैसे इस बार गणपति भी हर गली गली में लगी हुई है, मतलब काफ़ी जगहों में लगी है। बांगुड़ में तो 3-4 जगह पूजा बैठी है और घरों में भी काफ़ी बैठी है। जब हम लोग विसर्जन करने गए थे तब भी हम लोगों ने बहुत सारी देखी
तो हम लोगों ने स्लो स्पीड में तो चेक कर लिया माउनों का माइक कैसा है। अब थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ाएंगे और देखेंगे कि विंड नॉइज इसमें आती है या नहीं। मैं ज़्यादा नहीं चलाऊंगा क्योंकि मैं अभी बड़े रोड पे हूँ नहीं। हाँ बट 50 तक आप सभी को मैं बता दूं कि केदारनाथ का प्लान कर रहा था इस मंथ जाने के लिए, बट केदारनाथ अभी तक बंद है। एक्चुअली दरबार बंद है, वहाँ के लोकल्स वहाँ जा सकते हैं कोविड की वजह से, और कब खुलेगा अभी कोई गारंटी नहीं है। ना ये कोरोना कब जाएगा भैया, ये कोरोना जाए तो हम कहीं जाए, ना वो जा रहा है ना हमें जाने दे रहा है। वैसे मेरा प्लान था चार धाम का, मतलब यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बट वो हो नहीं पाया। कोई नहीं, मतलब मैं जा नहीं पाऊँगा नेक्स्ट वक्त। यहाँ कोलकाता में दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा मैं अच्छे तरीके से कवर करने वाला हूँ, पूरी डिटेल के साथ मैं दुर्गा पूजा को कवर करने वाला हूँ। फिर भी अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो जाऊँगा कोलकाता के बाहर। तो अभी हम लोग स्विच करते हैं माइक को और देखते हैं JBL का साउंड कैसा आ रहा है। आई होप आपको पसंद आए JBL का साउंड भी। ये रहा व्लॉग बनाते बनाते सुभान अल्लाह हो गया हमारे साथ, माइक की वायर ही निकल गई थी। मैंने JBL के माइक को सेट नहीं किया, इस वजह से उसका वायर निकल गया था, है ना। ये सब तो होता ही रहता है। एक और बार टेस्ट कर लेते हैं, फाइनल टेस्ट फॉर JBL माइक। अभी वाइज़र मैंने बंद कर दिया है, जैसे ये पूरे ब्लॉग में मैंने अपना वाइज़र बंद ही करके रखा हुआ था। कैसा है, चलो अभी माइक प्रॉपर तरीके से लगा हुआ देख रहा है, एक बार चेक भी कर लेते हैं माइक दिखा रहा है कि नहीं। माइक दिखा रहा है, इनका साउंड तो चेक कर लिया। मुझे अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हें कैसा माइक चाहिए, मुझे बस ऐसा माइक चाहिए जो वॉइस क्लियर दे। विंड नॉइज ना आए और आवाज़ फटे ना, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये दचाई आर्मी। तो दोनों माइक की अच्छे से टेस्टिंग हो गई है, अब जाके सिर्फ वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द, और आप लोगों के पास कंटेंट आ जाएगा। आप सभी देख के बताइएगा किस माइक की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हुए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते।